बार बार वाईटी स्टूडियो को ऑन करने से क्या होता है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाईटी स्टूडियो को ऑन करने से क्या हमारा चैनल ग्रो होता है, कि अगर आप 10 मिनट में 5 मिनट में ये बार बार आप वाईटी स्टूडियो को ऑन करते हो कि आप देखते हो कि मेरे चैनल में कितने व्यूज आ रहे हो, बार बार आप इस तरह से देखते जाते हो कि हर दो दो मिनट में आप वाईटी स्टूडियो को ऑन ऑफ करते हो, तो इससे क्या होता है, हमारा चैनल पे कोई इफेक्ट पड़ता है या हमारा चैनल एकदम लो हो जाता है, क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप लोग देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, या हमारा वॉच टाइम बढ़ा है या नहीं बढ़ा, या हमारी वीडियोस वायरल हुई है या नहीं हुई है वो देखते। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, अगर आप बार बार अपने वाईटी स्टूडियो में जो वीडियोस को आप अपलोड करते हो, आप बार बार टाइटल को चेंज करते रहते हो, बार बार डिस्क्रिप्शन को चेंज करते रहते हो, या बार बार आप लोग थंबनेल को चेंज करते रहते हो और टैग्स को भी आप लोग चेंज करते रहते हो, इससे क्या होता है गाइज, आप लोग बार बार अनलिस्टेड या पब्लिक करते रहते हो वीडियो की, आप लोग सोचते हैं कि हमारी वीडियो वापस से वायरल हो जाएगी, जो हमारे व्यूज रुके हैं वो वापस से बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप बस एक बार ही कर सकते हो तो अच्छा होगा, लेकिन आप बार बार ऐसा करोगे तो आप लोग जो वीडियो है वो डिलीट भी हो सकता है और यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। यहाँ पे आपको अगर मेरे चैनल को प्रमोशन करवाना है, अगर आपके छोटा चैनल है आपको प्रमोट करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो, वो किस तरह से करवा सकते हो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले मेरी एक वीडियो जाना, उस पर आपको कमेंट करना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोशन कर लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते, खाली प्रमोशन भी लिख सकते, तो मैं आपके चैनल का ज़रूर से प्रमोशन करूँगी, अगर आप छोटे चैनल हो हम लोग सपोर्ट करते। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, बस आपको वाईटी स्टूडियो आप ऑन कर सकते हो अपनी मर्जी, लेकिन आप बस आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बार बार चेंज नहीं करना, इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी भी, मतलब कि आपकी जो वीडियो वो एकदम डाउन हो जाएंगे और आपके व्यूज़ भी एकदम रुक जाएंगे और आपकी वीडियो भी हो भी सकती है डिलीट भी हो सकती है या कोई, तो आपको बस बार बार टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं करना है।